जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, वेडनेसडे। और कितनी तारीख हो गई यार? आज 16 है क्या? डेट मेरे ख्याल में आज 16 है। डेट कई बार मुझे याद नहीं रहती है। 16 तारीख है। एक सेकेंड, हमारे तो यार 16 जून है। सॉरी गाइस, वो 16 जून बुधवार, वेनेसडे। और कल हमने 900 का आंकड़ा छू लिया था, 900 को क्रॉस किया था फ्यूचर्स में, जैसा कि मैंने परसों आपको बोला था। और कल मैंने शायद वीडियो नहीं बनाया, आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी, और आज भी नहीं बनाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा सुबह कुछ बता दूं ताकि कुछ हेल्प भी हो जाए। अगर मैं, कोशिश तो यही रहती है अपनी। तो सबसे पहले कि मार्केट एक हायर स्टेजेस पे आ चुका है, लेकिन स्टिल जो स्टोकेस्टिक या आरएसआई या एमएसडी देखता हूँ, तो यहाँ से भी 200 पॉइंट की जगह तो दिखा रहे, लेकिन ये बहुत डेंजर जोन है बॉस। डेंजर जोन कैसा है कि यहाँ से कभी भी एक बड़ी डिप देने के चांसेस बहुत बनते हैं, क्योंकि थक गए दोस्त, वो लोग भी थक गए, जितने भी बियर्स हैं वो थक गए हैं इसको देख देख के। और कहीं ना कहीं उनका सब्र का बांध टूटेगा और वो लॉस को बुक करेंगे। वो लॉस को बुक करता है इंसान, क्योंकि एक सब्र जो होता है वो बहुत कठिन चीज़ है रखना, पेशेंस। स्टॉक मार्केट में जिसके पास ये इंग्रेडिएंट होगा, पेशेंस, नहीं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पूरे दिन मैं बैठ जाऊँ टर्मिनल के सामने और एक भी ट्रेड नहीं मारूं, इसको बोलते हैं पेशेंस। अगर पूरे दिन में 9:15 से 3:30 बजे तक टिकटिकी बिना लगाए स्क्रीन को देख रहा हूं और मैं एक भी ट्रेड नहीं मार रहा हूं, इसको बोलते हैं पेशेंस, क्योंकि मुझे कोई ट्रेड समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको जब तक ट्रेड समझ में नहीं आए कि ये करना चाहिए कि नहीं, तब तक लेना नहीं चाहिए। चलिए, ये तो ज्ञान की बात है। ऐसे तो बहुत सारे ज्ञान आपको पता है, मैं वेबिनार में भी देता हूँ और ऐसी चीज़ें भी सिखाता हूँ जो आपके हमेशा काम आए। फिलहाल मेरा कहना है कि मार्केट अप डाउन होगा, लेकिन मुझे जो गिरावट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं लेटर हाफ ऑफ द जून में एक गिरावट थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। तो वो गिरावट मुझे 15,400 तक आए, 15,500 तक आए, 15,300 तक ले जाए, जहाँ भी ले जाएगी, लेकिन वो मुझे बॉटम लगेगा। बहुत बड़ी गिरावट नहीं कि 15,000 टूट जाए, ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा है, लेकिन उतनी आ सकती है। उतना जो आए उधर आपको बाई करना है और 15,000 या 15,150 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डाल के 16,600-16,700 का टारगेट लेके खेलना है जुलाई में। ये मैं कई दिनों से आपको बोल रहा हूँ। तो अब समझदारी यही है, कुछ भी खेलना है इन द मनी ऑप्शन के द्वारा खेलिए, चाहे वो आपको शॉर्ट में खेलना है तो भी इन द मनी, और कॉल में भी, क्योंकि अभी मार्केट एक अलग स्टेज पे आके खड़ा हो गया है। यहाँ बाई का सौदा लेना भी घातक होता है, क्योंकि वो जो सडन करेक्शन आएगा, अगर आप फ्यूचर्स में हो तो एक ही बार में आपकी रकम साफ कर देगा, अगर आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं डाला है। अगर आप बहुत स्क्रीन से बहुत फ्रेंडली हो, स्क्रीन पे ट्रेडिंग करने के काफ़ी फ्रेंडली है, तो आप स्टॉप लॉस डाल के फ्यूचर्स में भी खेल सकते हो, लेकिन बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस डालिएगा, बड़े नहीं, क्योंकि अभी, हाँ अभी ट्रेंड अभी भी बुलिश है। एक बार 16,000 दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है, लेकिन दिखाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन मुझे अल्टीमेटली ये पता है कि 16,000 या 16,500 भी दिखाएगा जुलाई में, लेकिन एक डिप बाकी है उसके पहले, लेटर हाफ। तो इसीलिए गो डे बाई डे। आज अगर आपको डिप पहले मिल जाए मार्केट खुलने के बाद, तो एक बाई करिएगा, लेकिन 40-50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस। और बाई करने का तरीका क्या है, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और देखिए सडनली जिस पॉइंट से 20-25 पॉइंट ऊपर आ चुका है, जिस पॉइंट से, ये ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट को स्टॉप लॉस ले लीजिए, और 20-25 पॉइंट ऊपर आ चुका है तो 10 पॉइंट और बढ़ जाने दीजिए, वहाँ बाई में बैठ जाइए और उसको स्टॉप लॉस ले, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा। अगर वो रिवर्सल सही है तो आप सही ट्रैक में बैठ गए। तो ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलता हूँ सुबह, है ना?
आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा रहेगा, लेकिन आज भी मुझे एक ग्रीन क्लोजिंग की ही अपेक्षा है, ये मेरा मन बोलता है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।